हेलो अरयन आज के स्टूडियो में मैं आपको बताना नहीं कि अगर आपके पास कोई भी बोट की स्मार्ट वॉच है तो फिर आप कैसे बोट की स्मार्ट वॉच में अपना फोटो लगा सकते हो तो अगर आपको भी याद होगा कि आप कैसे यहां पर अपने वॉलपेपर में अपना फोटो लगाओगे तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर दें सो so गाइस तो अगर आपको भी बोट की स्मार्ट वॉच में अपना फोटो लगाना होगा तो ये बहुत सिंपल है इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा सबसे पहले तो आपकी जो भी बोर्ड की स्मार्ट वॉच होगी उसका कुछ इस तरीके का बॉक्स आया होगा तो बॉक्स के अंदर जो है ना एक यूजर मैन्यूअल होगी कुछ इस तरीके की तो आपको यहाँ पर क्या करना है ये यूजर मैनुअल को ओपन करना है और यहाँ पर कहीं पर आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्कैनर दिखाई देगा ये आप देख सकते हो ये रहा कनेक्ट टू ऐप ऐसा हमें दिखाई दे रहा है और ये आप देख सकते हो ये है एक स्कैनर तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपका फोन ले लेना है अब आपको आपके फोन में यहाँ पर गूगल स्कैनर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको इसे स्कैन कर देना है यहाँ पर आप जैसे इसे स्कैन कर दोगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लिंक ओपन हो जाएगी आपको इस लिंक पर क्लिक करना है जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि डायरेक्टली इसका जो ऐप है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा तो यहाँ पर आपको जो भी ऐप दिखाई दे रहा है बस आपको उस ऐप को डाउनलोड कर देना है तो अभी हमें यहाँ पर जो है बोट क्रिस्ट का ऐप दिखाई दे रहा है तो ये आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है वैसे दो तीन ही ऐप है बोट के आपको उनमें से ही कोई एक दो ऐप हो गए कुछ वॉच में यहाँ पर बोट क्रिश से कनेक्ट होता है कुछ वॉच में बोट वेरिएबल्स होता है कुछ वॉच में जो है बोट वेव होती है तो ये दो तीन ऐप है इनमें से आपका जो भी ऐप होगा बस आपको उस ऐप आप को डाउनलोड करके ओपन कर देना है या फिर अगर आपको ये जानना होगा तो आप आपके स्मार्ट वॉच से भी देख सकते हो आपको क्या करना है स्मार्ट वॉच में ऐसे नीचे की तरफ स्क्रोल करना है अब आपको यहाँ सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड ऐप का ये आप देख सकते हो डाउनलोड ऐप का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो अगेन स्कैनर ओपन हो चुका है और अगर मैं यहाँ पर स्कैन करता हूं तो फिर डायरेक्टली हमारा जो बोट का ऐप है ना वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा ये आप देख सकते हो जैसे हम इसे स्कैन कर देंगे तो यहाँ पर अभी हमें हमारा जो ऐप है वो दिखाई देगा जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन बोट क्रिस्ट का जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा तो आपको इसे डाउनलोड करके ओपन कर देना है अब जैसे आप इस ऐप को ओपन कर दोगे तो अभी आपको अब क्या करना है अभी आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा तो अब जैसे आप इस ऐप को ओपन करोगे सबसे पहले आपको अगर क्या करना है सबसे पहले आपको अगर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अभी आपको यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है जिससे कि आप यहाँ पर लॉग कर सको तो अभी आपके मोबाइल नंबर पे एक ओ आएगा बस आपको उस ओ को एंटर कर देना है तो आपको यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो अभी यहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू टू पैरिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है अभी आपको दिखाई देगा प्रोवाइड एक्सेस फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आपको दिखाई दे रहा है तो आपको ग्रैंड परमिशन पे क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो है लोकेशन पे भी क्लिक करके लोकेशन को ऑन कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हम, हम हमारे फोन की लोकेशन को ऑन कर देंगे और ग्रैंड परमिशन पर क्लिक कर देंगे अभी आपको वाइल्ड यूजिंग द ऐप पर क्लिक करना है और अलो कर देना है आप यहाँ पर देख सकते हो अभी आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट डिवाइस टू पैर तो अभी आपके पास कौन सी बोर्ड की स्मार्ट वॉच है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है तो अभी हमारे पास जो स्मार्ट वॉच है वो है बोट वेव लिंक वॉइस तो आपके जो भी स्मार्ट वॉच का नेम होगा वो यहां से आपको ढूंढ करके उसे सिलेक्ट कर देना है तो आप देख सकते हो अभी हमें हमारी स्मार्ट वॉच दिखाई दे रही है हम इस पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आ, हमें ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा अब आपको यहाँ पर क्या करना है चूज अ डिवाइस टू बी मैनेज तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो भी आपके स्मार्ट वॉच का नेम दिखाई देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेरिंग दिखाई दे रहा है तो कुछ ही देर में अभी हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे फोन से कनेक्ट हो जाएगी फाइनली आप देख सकते हो कि अभी हमारी जो स्मार्ट वॉच है वो हमारे फोन से कनेक्ट हो चुकी है अभी आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी आपकी स्मार्ट वॉच की जो भी डिटेल्स होगी वो सारी की सारी डिटेल्स आपको आपके फोन में दिखाई देगी और अगर आपको आपके स्मार्ट वॉच में अपना खुद का फोटो लगाना है तो वो भी आप यहां पर इस ऐप से ही कर सकते हो तो यहां पर आप देख सकते हो ये सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है तो कंटिन्यू टू होम पेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो होम पेज पे आपको आपकी सारी की सारी डिटेल दिखाई देगी हार्ट रेट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा तो अभी अगर आपको आपका फोटो लगाना है तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा माई वॉच का आपको माई वॉच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ आप पर देख सकते हो आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो अभी आपको अगर क्या करना है अभी आपको आपका एक ऑप्शन दिखाई देगा चेंज वॉच फेस का तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपको बहुत सारे वॉच फेसेस दिखाई दे रहे हैं मतलब कि यहाँ पर ये जो डायल हमें दिखाई देता है कुछ इस तरीके से हमें जो टाइम दिखाई दे रहा है तो ये जो इसकी स्टाइल है इसे आप बहुत सारी अलग अलग स्टाइल से चेंज कर सकते हो लेकिन अगर आपको यहाँ पर अपना फोटो लगाना है तो फिर आपको माय क्रिएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको यहाँ पर क्रिएट अ वॉच फेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो अभी आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहां पर आपको क्या करना है देखो सबसे पहले आपको ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो और आ... यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा कैमरा वगैरह का तो आपको गैलरी पे क्लिक करना है अब आपको गैलरी में से आपका जो भी फोटो लगाना होगा बस आपको आपके फोटो को सिलेक्ट कर देना है तभी आप यहाँ पर जैसे आपके फोटो को सिलेक्ट कर दोगे तो अभी आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको कैसा वगैरह क्रॉप वगैरह करना है आपको जितना भी क्रॉप करना होगा वो आप कर सकते हो और आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो अभी हमें कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है वॉच फेस अब आपको जो टाइम है अगर आपको जो टाइम है वो नीचे लाना है या फिर कहीं पर भी सेट करना है या फिर अगर आपको डायल लगा जो हमारे क्लासिक वॉच में होता है उस तरीके का डायल लगाना है तो फिर आप वो सब कुछ कर सकते हो उसके लिए आपको अगर क्या करना होगा ये जो टाइम वाला ऑप्शन है टाइम पे क्लिक करना है टाइम पे क्लिक करने के बाद अगर आपको एनालॉग लगाना है तो आप एनालॉग कर सकते हो डिजिटल लगाना है तो फिर आप डिजिटल में टाइम दिखा सकते हो तो आपको यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट करना है यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज़ फिफ्टी कर देता हूँ और अगर हम टिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमें यहाँ पर ये टाइम दिखाई दे रहा है तो अब आपको ये जो टाइम है ये जहाँ पर भी लगाना होगा वहाँ पर आप बस इसे लेकर के आ सकते हो तो टाइम वहाँ पर आ जाएगा अब ये जो पहले वाला टाइम है आपको इसे डिलीट कर देना है और अगर आपको यहाँ पर एनालॉग लगाना है तो आप एनालॉग भी ऐसे ही लगा सकते हो उसके लिए आपको यहाँ पर एनालॉग पे क्लिक कर देना होगा और कुछ इस तरीके से टिक करना होगा तो ये आप देख सकते हो एनालॉग में हमें टाइम दिखाई दे रहा है Uh, तो कुछ इस तरीके से आप अपना खुद का फोटो लगा सकते हो और अगर आपको डेट वगैरह कुछ दिखाना होगा यहाँ पर और अगर आपको स्टेप्स दिखाने हो गए डिस्टेंस वगैरह कुछ भी दिखाना होगा हार्ट रेट वगैरह वो सब कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जैसे आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी ये जो फोटो है ये हमारे स्मार्ट वॉच में आ जाएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सक्सेसफुली क्रिएटेड अप्लाई नाव पर क्लिक करना है आपको अप्लाई नाव पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो अपडेटिंग वॉच फेस और आपके स्मार्ट वॉच में भी आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोडिंग मतलब कि अभी कुछ ही देर में अभी हमारा जो फोटो है वो हमारे स्मार्ट वॉच में लग जाएगा तो फाइनली आप यहां पर देख सकते हो कि अभी हमारी बोट की स्मार्ट वॉच में हमारा फोटो आ गया है